मन की बात शुरू करते हुए आज मन भरा हुआ है। 10 दिन पूर्व भारत माता ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। इन पराक्रमी वीरों ने हम 125 करोड़ भारतीयों की रक्षा में खुद को खपा दिया। देशवासी चैन की नींद सो सके, इसलिए इन हमारे वीर सपूतों ने रात दिन एक करके रखा था। पुलवामा के आतंकी हमले में वीर जवानों की शहादत के बाद देश भर में लोगों को और लोगों के मन में आघात और आक्रोश है। शहीदों और उनके परिवारों के प्रति चारों तरफ संवेदनाएं उमड़ पड़ी हैं। इस आतंकी हिंसा के विरोध में जो आवेग आपके और मेरे मन में है, वही भाव हर देशवासी के अंतर मन में है और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के भी मानवतावादी समुदायों में है। भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। यह शहादत आतंक को समूल नष्ट करने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करेगी, हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। देश के सामने आई इस चुनौती का सामना हम सबको जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और बाकी सभी मतभेदों को भुलाकर करना है, ताकि आतंक के खिलाफ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो, सशक्त हो और निर्णायक हो। हमारे सशस्त्र बल हमेशा ही अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते आए हैं। शांति की स्थापना के लिए जहां उन्होंने अद्भुत क्षमता दिखाई है, वहीं हमलावरों को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि हमले के 100 घंटे के भीतर ही किस प्रकार से कदम उठाए गए हैं। सेना ने आतंकवादियों और उनके मददगारों के समूल नष्ट का संकल्प ले लिया है। वीर सैनिकों की शहादत के बाद मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों की जो प्रेरणादायी बातें सामने आई हैं, उसने पूरे देश के हौसले को और बल दिया है। बिहार के भागलपुर के शहीद रतन ठाकुर के पिता राम निरंजन जी ने दुख की इस घड़ी में भी जिस जज्बे का परिचय दिया है, वह हम सबको प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि वे अपने दूसरे बेटे को भी दुश्मनों से लड़ने के भेजेंगे और जरूरत पड़ी तो खुद भी लड़ने जाएंगे। ओडिशा के जगत सिंहपुर के शहीद प्रसन्ना साहू की पत्नी मीना जी के अदम्य साहस को पूरा देश सलाम कर रहा है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी CRPF ज्वाइन कराने का प्रण लिया है। जब तिरंगे में लिपटे शहीद विजय सोरेन का शव झारखंड के गुमला पहुंचा, तो मासूम बेटे ने यही कहा कि मैं भी फौज में जाऊंगा। इस मासूम का जज्बा आज भारतवर्ष के बच्चे बच्चे की भावना को व्यक्त करता है। ऐसी ही भावनाएं हमारे वीर पराक्रमी शहीदों के घर घर में देखने को मिल रही है। हमारा एक भी वीर शहीद इसमें अपवाद नहीं है, उनका परिवार अपवाद नहीं है। चाहे वो देवरिया के शहीद विजय मौर्य का परिवार हो, कांगड़ा के शहीद तिलकराज के माता पिता हो, या फिर कोटा के शहीद हेमराज का 6 साल का बेटा हो, शहीदों के हर परिवार की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि वो इन परिवारों ने जो जज्बा दिखाया है, जो भावना दिखाई है, उसको जाने समझने का प्रयास करें। देशभक्ति क्या होती है, त्याग तपस्या क्या होती है, उसके लिए हमें इतिहास की पुरानी घटनाओं की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी आंखों के सामने ये जीते जागते उदाहरण है और यही उज्जवल भारत के भविष्य के लिए प्रेरणा का कारण।